दिल वालों के दिल का करा लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ऐसा यूपी बिहार में कोई नहीं जिसने ये गाना कहीं ना सुना हो। अब तक इस गाने पर आपने बॉलीवुड जीवा पतली कमरिया की मलिका शिल्पा शेट्टी को ही मटकते ठुमकते बलखाते ही देखा होगा, लेकिन अब आप सभी इसी धुन पर एक नए तड़के के साथ मटकता देखेंगे अक्षय सिंह को। जी हाँ, अक्षय सिंह भी अब यूपी बिहार को लूटने की अपनी तैयारी कर चुकी है पूरी, क्योंकि एक्ट्रेस लेकर आ रही है एक नए तड़के के साथ फिर से यही गाना भोजपुरी में। और यकीन मानिए, एक्ट्रेस इस गाने में एक के बाद एक ऐसी जहरी अदाएं दिखाने वाली है कि आप लोग सांस भी ना ले पाएंगे। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक्ट्रेस के नए एल्बम जिसके बोल है यूपी बिहार लूटने, उसका तड़कता भड़कता फायर टीजर वीडियो आज रिलीज किया जा चुका है टी सीरीज के हमारे भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बता दें कि टीजर वीडियो लगभग 37 सेकंड का है, मगर हर एक सेकंड में आपको अक्षय सिंह की अदाएं होश उड़ाने पर मजबूर कर देंगी। वीडियो की बात करें तो गाने को गाए है अक्षय सिंह ने, लिखा है अजीत मंडल ने, म्यूजिक दिया है इसका आर्य शर्मा ने, डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है मुदस्सर खान ने। बता दें कि मुदस्सर खान बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर हैं और वो अक्षय सिंह के अच्छे दोस्त भी हैं। मुदस्सर खान ने अक्षय सिंह से पहले भोजपुरी के एक और स्टार है जिनके साथ एक एल्बम दिया था तहलका मचाता हुआ, जानना चाहेंगे आप? ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि अक्षय सिंह जिनसे आज कोसों दूर रहना पसंद करती है, वो है पवन सिंह। जी हाँ, मुदस्सर खान इससे पहले पवन सिंह के साथ काम कर चुके हैं और एक ब्लॉकबस्टर एल्बम जिसका नाम कमरिया हिला रही है फैंस को बतौर तोहफा भी दे चुके हैं। कमरिया हिला रही है कितना बड़ा बवाली गाना था ये हमें आपको बताने की कतई जरूरत नहीं लगती। ऐसे में अक्षय सिंह का नया गाना किस लेवल का होगा और कितना बड़ा हिट हो सकता है ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल में गाने का टीजर वीडियो लोगों को पसंद आया है, फुल वीडियो आने का इंतजार करना होगा। तब तक आप बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा। अगर आपने अब तक ये गाना नहीं देखा है तो आपको अक्षय सिंह की अदाएं कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।